हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हो, घर पे स्वस्थ हो और अपना काम रूटीन से कर रहे हो। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स है, काइनेमेटिक्स की क्लास है, क्लास प्लस वन की क्लास है, जहाँ पे एक हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? ये हमारा चैप्टर एक्चुअली चल रहा है वेक्टर। तो अभी वेक्टर में मोशन इन प्लेन में स्टडी करने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी को हम बात करेंगे। पहले रिलेटिव वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन में भी रिलेटिव वेलोसिटी इज ए वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी वन डायमेंशनल, वेलोसिटी कैन बी टू डायमेंशनल, वेलोसिटी कैन बी थ्री डायमेंशंस आल्सो, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो अब पहले अभी हम बात करेंगे जिसकी भाई जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ही तो कॉम्पोनेंट्स होंगे, वो ही तो होगी वन डायमेंशन में, टू में, थ्री में, है ना? तो तीनों का स्टडी करने का वे अलग से होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सिर्फ इस क्लास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर? तो उसके लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम सोचेंगे कि है क्या, है ना? जैसे मान लीजिए आप कभी ट्रेवलिंग कर रहे हो, इन कार, इन बस, इन ट्रेन, कहीं भी कैसे बैठ के, है ना, ट्रेवलिंग कर रहे हो आप कार, बस, ट्रेन में। तो आपने आसपास देखा होगा सराउंडिंग में जो ट्री है, जो हाउसेस हैं, जो भी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको वो भी मूवेबल लगते हैं कि वो भी हमारे साथ मूव कर रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, दे आर एट रेस्ट। हाउ ए ट्री कैन मूव, है ना? तो बाहर वाले पेड़, बाहर वाले हाउसेस, बिल्डिंग, सब क्या रहते हैं? रेस्ट पे रहते हैं। बट हमें क्या लगता है मूविंग बस में बैठ करके कि वो भी मूव कर रहे हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आप ट्रेन में जा रहे हो, आपके पैरेलल ट्रैक पे एक और ट्रेन आ रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है दोनों ट्रेन्स। आप ट्रेन में बैठे हो, दूसरी ट्रेन पैरेलल नाल वाले साथ वाले ट्रैक्स पे आपके जा रही है, ठीक है, बट उसकी स्पीड जो है स्लो है, सेम डायरेक्शन में है। तो आपको क्या लगेगा भाई कि ट्रेन आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप फील करोगे ऐसा, ठीक है? अगर वही ट्रेन थोड़ी सी आपकी ट्रेन से फास्ट स्पीड पे जा रही है तो आपको लगेगा कि वो एक्चुअल स्पीड से थोड़ी सी कम स्पीड पे मूव कर रही है, ठीक है? और अगर कोई ऐसे आप ट्रेन में जा रहे हो तो दूसरी डायरेक्शन से ट्रेन आपको क्रॉस कर रही है तो आपको लगेगा कि दूसरी ट्रेन की स्पीड बहुत ही फास्ट स्पीड है, एक्चुअल स्पीड से फास्ट स्पीड आपको फील होगी उस ट्रेन की, ठीक है? तो ये सब रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट हैं, ठीक है, कि एक्चुअल स्पीड ना अपीयर होके हमें उसकी कुछ चेंज इन स्पीड अपीयर हो, ठीक है, उसकी कुछ स्पीड अलग से अपीयर होनी शुरू हो जाए जो उसकी एक्चुअल स्पीड ना हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर भाई? एक एग्जांपल और दे रहे हैं आपको। मान लीजिए हम जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, आपके पीछे कोई आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, है ना? तो आपको कितनी स्पीड का डिफरेंस है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिफरेंस है ना। तो उसको जो पीछे आ रहा है उसको लगेगा कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो, बट एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है। एक्चुअल में तो आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हो, ठीक है? जो पीछे आ रहा है उसकी खुद की स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है, इसलिए उसको लगता है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप जा रहे हो, क्योंकि वो डिफरेंस ही 10 किलोमीटर पर आवर का है, ठीक है? तो ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, उसको हमें डिटेल में समझना है कि क्या होगा अगर स्पीड इक्वल हो, क्या होगा अगर स्पीड एक की बढ़ जाए, क्या होगा अगर एक की स्पीड कम हो जाए, जैसे आपको अभी सारी एग्जांपल्स दी, ठीक है? उन सबको हमें प्रैक्टिकली स्टडी करना है इस क्लास में, उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसी क्लास में। क्लियर? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हो, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम कंसेप्ट को, रिलेटिव कंसेप्ट, वेलोसिटी का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसका छोटा सा मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है? तो मान लीजिए, है ना, टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद वेलोसिटीज, से मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपका है ए, सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका बी, मूविंग विद वेलोसिटीज, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है वी बी, इसकी वेलोसिटी कितनी है से वी ए, इन द सेम डायरेक्शन, और इनकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड है, मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड है, है ना? कॉन्स्टेंट स्पीड लेके चलोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। मान लीजिए 30 पे जा रहा है तो 30 पे ही रहेगा, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही रहेगा। बोथ आर मूविंग से इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है? तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? तो आप लिख सकते हो, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? इट इज डिफाइंड एज दी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
विद रिस्पेक्ट टू एन अनदर, विद रिस्पेक्ट टू एन अनदर ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another object, ठीक है भाई, ये किसी की प्योर वेलोसिटी नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन है, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको अब एग्जांपल दी कि ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रही है, ये बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रही है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर। सो 10 किलोमीटर पर आवर इज दी रिलेटिव वेलोसिटी, ना तो वो ए की है ना वो बी की है, वो किसकी है, रिलेटिव वेलोसिटी किसी एक ऑब्जेक्ट की होगी विद रिस्पेक्ट टू ए की बी के साथ है या बी की ए के साथ है, वो अभी हम बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन क्या होगी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट मींस टाइम, है ना, टाइम इसके बीच इंक्लूड हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अनदर ऑब्जेक्ट, यहां पे लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए अनदर ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट से डी। सो दिस इज जस्ट ए डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकली डिटेल में जाना चाहें तो कैसे इनको डिनोट करेंगे, अगर मैं लिखूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, क्लियर, ए की वेलोसिटी जो जिसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है उसको पहले लिखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी बी जो पीछे है विद रिस्पेक्ट टू, है ना, तो इसका फॉर्मूला जो है दैट इज ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी बी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके क्लियर हो गया, तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, एक बात और आप टेक्निकली समझ लो, पहले मैंने बहुत बार बताया आपको, ठीक है, कि ये माइनस साइन जो है ना वो आपको क्या दे रहा है, डायरेक्शन देता है, ये भी पता है आपको, ठीक है। सो माइनस मोशन प्लेन में अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन ओनली पैरेलल एंटी पैरेलल केस, प्लेन में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस है, ठीक है, ये आपका से ओरिजिन है और ये आपकी ऑब्वियसली क्या होगी, नेगेटिव एक्सिस होगी, यही तो मैथ है, यही मैथमेटिक्स है हमारा, ठीक है। सो जो भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा वी विल ऑलवेज टेक इट एज पॉजिटिव, ठीक है, जो भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा वी विल ऑलवेज टेक इट एज नेगेटिव, क्योंकि भाई वेक्टर अब तो आपको वेक्टर बहुत समझ आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत सी क्लासेस बेसिक क्लासेस वेक्टर के ऊपर डिटेल क्लासेस बना रखी है, ठीक है, आपने अटेंड कर रखी है ना, तो भाई वेक्टर मींस दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन नेगेटिव, अगर दोनों ही एक ही प्रॉब्लम में इनकाउंटर हो रहे हैं, ठीक है, कि अब एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है एक ही प्रॉब्लम में, तो इसको कंसिडर करो पॉजिटिव, इसको कंसिडर करो नेगेटिव, ये बातें हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं, ओके, तो यही बातें हम यहाँ पे यूज करेंगे अब हम, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन बोल सकते हो आप क्योंकि वेक्टर है भाई, ठीक है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव, आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो इसको नेगेटिव ले सकते हो, नो डाउट, बट हम यूज कर रहे हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में पता है आपको इस साइड क्या होता है, राइट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, तो यही हमें माइंड में थोड़ा सा रखना है, क्लियर। तो अभी हम बात कर रहे थे यहां पे, है ना, तो यहां मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, ये भाई ये नेगेटिव जो है वो इस डायरेक्शन का रूल नहीं है, ये दिस इज दी मींस हम बोल सकते हैं हाउ टू राइट ए रिलेटिव वेलोसिटी, कि हम रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा भाई, यहां पे वेक्टर है, अगर मैग्नीट्यूड में लिखना चाह रहे हो तो आप मैग्नीट्यूड में लिख सकते हो वी ए माइनस वी बी, ये तो होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए की विथ रिस्पेक्ट टू, with respect to means always negative sign, this negative sign means with respect to,
किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो? बी के साथ। ए की स्पीड का बी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपेयरिंग स्पीड जो है वो पीछे आएगी ए माइनस बी। और अगर हम लिख रहे हैं बी, अगर बी को ए के साथ कंपेयर करना है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्पीड ऑफ ए। वेलोसिटी बोल दो, स्पीड बोल दो, स्ट्रेट लाइन है, ए की बात है, यूनिफॉर्म वेलोसिटीज है, कॉन्स्टेंट स्पीड है, क्लियर? ये कॉन्स्टेंट स्पीड है, कॉन्स्टेंट स्पीड है ना, डायरेक्शन तो है ही सेम, स्ट्रेट लाइन तो भी यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है? स्ट्रेट लाइन के लिए एक ही बात है, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये है भाई हमारा कंसेप्ट छोटा सा रिलेटिव वेलोसिटी का, क्लियर हो गया? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब भाई समझ में आ गया, अगर ए की निकालनी है तो बी के साथ कंपेयर करो, बी की निकालनी है तो ए के साथ कंपेयर करो, जिसको कंपेयर किया वो पीछे, अदरवाइज माइनस। दिस नेगेटिव साइड साइन जो आ रहा है, दिस नेगेटिव साइन इज ड्यू टू कंपेरिजन, ये ध्यान रखना भाई, ड्यू टू कंपेरिजन या रिलेटिव की वजह से, ठीक है? और ये नेगेटिव साइन इसकी वजह से नहीं है भाई, ठीक है? ये आपको अलग से बताया गया है कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव लेना है, ठीक है? अभी तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव कहां से आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू की वजह से, ओके, कंपेरिजन की वजह से। क्लियर हो गया बेटा? अब हम थोड़े से इसके केसेस करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी को शो करते हैं वो चीजें हमें सीखनी है, ठीक है? वो चीजें हमें अच्छे तरीके से सीख लेनी है। और यहां से देखिए हमारे पास, हम यहां देख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है? कितना, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। और यहां पे ना आपको देख रहे होंगे आप, तीन चार केसेस बनेंगे यहां पे, है ना? कौन कौन से केसेस? मान लीजिए अगर दोनों की स्पीड इक्वल है तो क्या होगा, ठीक है? केस वन, साथ साथ ग्राफ बनाएंगे, साथ साथ इनका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या मतलब है, ठीक है? इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मान लीजिए दोनों सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? दैट इज va इज इक्वल टू vb, विच इंप्लाइज, अब देखिए इनके बीच रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जीरो, ऑब्वियसली, क्लियर? फॉर्मूले से तो हो गई, आप समझ लीजिए। आप मान लीजिए दो ट्रेन पैरेलल मूव कर रही हैं, दो व्हीकल्स यानी टू कार्स ले लो, टू बसेस ले लो, टू साइकिल्स ले लो, जो आप साइकिल चलाते हो, एक्सपीरियंस करते हो, बाइसाइकिल चलाते हो, ठीक है, या मोटरसाइकिल चलाते हो, क्लियर? तो दोनों की स्पीड, टू पर्सन है ए एंड बी, दोनों की स्पीड अगर सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक दूसरे को अगर देखोगे तो आप दोनों को क्या लगेगा? बोथ आर अपीयरिंग टू बी एट रेस्ट, क्लियर? मान लीजिए भी आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, टू पर्सन, दोनों एक दूसरे से बातें करते जा रहे हो, बाहर नहीं देख रहे, तो आप दोनों को क्या लगेगा, दूसरे को क्या लगेगा कि तू भी रेस्ट पे है, मैं भी रेस्ट पे हूं, ना? अगर कोई दोनों में से एक बाहर देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि समवन इज इन मोशन, ठीक है? तब मोशन अपीयर होगा, अदरवाइज अपीयरिंग स्पीड, एक्चुअल नहीं, अपीयरिंग स्पीड है, ये आप ध्यान में रखिए, दिस इज नॉट एन एक्चुअल, दिस इज एन अपीयरिंग स्पीड, ओके? ये एक्चुअल स्पीड नहीं है भाई, अपीयरिंग वेलोसिटी है, जो हमें लगती है कि इतनी स्पीड है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ, है ना? तो दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी, है ना भाई, समझ गए ना? अगर टू ऑब्जेक्ट्स सेम स्पीड पे स्ट्रेट लाइन में मूव करते जा रहे हैं तो एक दूसरे को उनको क्या लगेगा? बोथ आर एट रेस्ट, अगर एक दूसरे को देखते जा रहे हैं तो दोनों को क्या लगेगा कि बोथ आर एट रेस्ट, कि वो रेस्ट पे है, ठीक है? क्यों रेस्ट पे है? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रही है? जीरो। उसको नहीं लग रहा कि वो मोशन में है, उसको नहीं लग रहा कि वो मोशन में है, ठीक है? इफ दो बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, क्लियर? तब ये केस होगा, ओके बेटा? अब इसका थोड़ा सा ग्राफ समझ लो कि ग्राफ कैसे ड्रा करना है इसका, ठीक है? फर्स्ट केस का, ठीक है, ओके, फर्स्ट केस का ग्राफ देखिए आप, से दिस इज टाइम, ठीक है, एंड से दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिस इज पोजीशन, हाँ। अभी आप देखो बॉडी यहां पे है,
मान लीजिए ना बॉडी यहां से चल के आ रही है, दिस इज इनिशियल स्पीड, मतलब इनिशियल सॉरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये चल रही है बॉडी 2 मीटर से, इस बॉडी ने स्टार्ट किया मोशन आपका 3 मीटर से, है ना। ये यहां पे बॉडी इनिशियल है, यहां पे बॉडी इनिशियल है, तो ये आपका इनिशियल, दिस इज इनिशियल पॉइंट है, और ये दोनों आपके फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इनिशियली देखिए बॉडी आपकी कहां से शुरू हो रही है, एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मींस यूनिफॉर्म स्पीड है, तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन क्या है, इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो अब ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, हम लास्ट में क्लासेस में ग्राफ को अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, वही बात वही बना रहे हैं, अब एक ऑब्जेक्ट का नहीं दो का बना रहे हैं एक ही ग्राफ में, क्लियर। कैसे भी यहां से देखिए आप इनिशियल स्पीड, इनिशियल सॉरी इनिशियल मोशन कहां पे, स्पीड तो सेम है, स्पीड फॉर द मोशन सेम है, पर डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है ना अभी, तो इनिशियल ही मान लीजिए कहां से शुरू किया, ए ने शुरू किया 2 मीटर से, बी ने शुरू किया 3 मीटर से, अगर बी पहले आगे होगी तभी आगे जाएगी ना, ठीक है, वो आगे जा रही है, तो बी 3 मीटर, तो मान लीजिए ये आपका 1 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है, ये आपका 3 मीटर है, पोजिशन आप मीटर में ले लो, टाइम आप सेकंड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए देखिए कहां शुरू हो रहा है 2 मीटर में, और आपको पता है ग्राफ क्या है आपका यूनिफॉर्म, तो क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ, 3 मीटर शुरू कर रही है बी, तो ग्राफ क्या बनेगा आपका अगेन स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज दी मींस वेलोसिटी ऑफ बी, दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ ए, और आपको पता है कि हमें इस ग्राफ की जो स्लोप होगी दैट विल प्रोवाइड दी वेलोसिटी, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं यहां से, लास्ट क्लासेस में करके आए, ठीक है, तो ये वेलोसिटी बी की है, ये वेलोसिटी ए की है जो उस डायग्राम में दे रखी है, कितनी भी हो, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, ओके बेटा क्लियर हो गया। 30 ले लो, 20 ले लो, 10 ले लो, ये 30 ले लो, ठीक है, ये 20 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर हम 30 मीटर पर सेकंड लें कुछ भी लें, ठीक है, कोई दिक्कत, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ये एग्जांपल के तौर पे है, ठीक है, आपको जस्ट ग्राफ बनाने के लिए बताया आपको, ओके, तो ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइंस, बोथ बॉडीज इन दिस केस हैव ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इस ग्राफ को लिखना कैसे, ओके, ये ग्राफ रहा हो गया हमारा, तो नेक्स्ट करते हैं ग्राफ नंबर 2 की तरफ, 2 केस, केस नंबर 2 है ना, तो केस नंबर 2 देखो आप, केस नंबर 2, तो यहां से केस नंबर 2 देखो, सेकंड केस, अब देखिए सेकंड केस में क्या है, इफ बोथ बॉडीज हैव अनइक्वल वेलोसिटीज, क्या है अनइक्वल वेलोसिटीज है, अनइक्वल वेलोसिटी मींस उनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, अलग अलग है, यहां सेम थी, अब दो केस बनते हैं इसमें भी, है ना, फर्स्ट केस क्या बन रहा है यहां पे, इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, अगर मान लीजिए वी ए की स्पीड वी बी से ज्यादा है तो क्या होगा, फिजिकली आप सोचिए कि इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है, ज्यादा है ना, ठीक है, आप ले लो एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आ रहा, ये ले लो आप 20 किलोमीटर पर आ रहा, या मीटर पर सेकंड कुछ भी ले लो, इट्स नॉट इश्यू, ये ग्राफ खत्म हो गया यहां पर, ठीक है, फर्स्ट केस का, ओके, तो ये बड़ी है छोटी है, अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि ए बॉडी जो है बी को चेज कर रही है, और वो चेज कर लेगी क्योंकि ए की स्पीड बी से ज्यादा है, अगर भी आपके आगे कोई दौड़ रहा है और आप पीछे हो तो उसको पकड़ना है, तो उसकी आपकी स्पीड उससे ज्यादा है, तब उसको कहीं ना कहीं जाकर के पकड़ लोगे, उसको क्रॉस भी कर लोगे आप, ठीक है, क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है, ओवरटेक कर लोगे, ठीक है, ओवरटेक, हम गाड़ियां चलाते हैं ना रोड पे, बाइसाइकिल साइकिल चलाते हैं, तो ओवरटेक करना किसी को क्रॉस कर देना, क्रॉस तभी कर लोगे जब आपकी स्पीड पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, आगे वाले ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, तो इस केस में यही तो है, इसकी स्पीड इससे ज्यादा है तो इसको क्रॉस कर देगी, ओवरटेक कर लेगी, चेज कर लेगी, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देखिए आप केस 2 का, तो केस 2 का ग्राफ बनाने के लिए हमें ये देखिए, ये अगेन टाइम, क्लियर, और दिस इज योर अगेन पोजीशन, ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ बनाए थे दोनों हमने,
ये कौन सा केस आपका, केस वन। क्लियर, यहां पे है केस टू, ये है आपका केस नंबर टू। अब ए नीचे वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट ए है, ये वाला ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। ए वाला ऑब्जेक्ट की स्पीड बी से ज्यादा है, इट मीन पहले बी की बनाओ, ये 10 ले लो, ये 20 ले लो, ये 30 ले लो, भाई नंबर नहीं देखना, नंबर से स्पीड निकालोगे तो कुछ और आ सकती है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या देखना है, समझना है, ये बी की स्पीड तो बना दी हमने, अब ए की स्पीड बी से क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, ए की स्पीड बी से ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो ए की स्पीड क्या है हमारी, बी से ज्यादा है, इसको आप 30 ले लो, आपको सीधी टाइप 30 ऐसे ले लो, ठीक है। तो बी की स्पीड वही पे है, 30 पे ही है। अब ए की स्पीड बढ़ा के 20 से कितनी होगी, 40 होगी, तो क्या होगा भाई, यहां से स्पीड क्या करेगी, उसकी पोजीशन है ये, डिस्प्लेसमेंट है ये, स्पीड नहीं है 20-30, ठीक है। तो यहां से स्पीड उसकी बढ़ गई, मीन यहां से जाते जाते किसी ना किसी पॉइंट पे दिस उसको चेज कर देगी, दिस इज दी चेजिंग पॉइंट, ठीक है। व्हेन बोथ बॉडीज बोथ ऑब्जेक्ट्स मीट्स, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स मीट्स, इस पॉइंट पे दोनों ऑब्जेक्ट मीट कर लेंगे, क्योंकि ए ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है और ए ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं जा करके, यहां लिख लो बी, ए ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं जा करके बी को पकड़ लेगा, बी को चेज कर लेगा, ठीक है। तो स्पीड ए की बढ़ गई, देखिए क्रॉस कर गया, क्रॉस करने का मतलब ग्राफ क्रॉस कर गए तो उसमें बॉडी ने उसको क्रॉस कर लिया, चेज कर लिया, सो दिस इज चेजिंग पॉइंट। ओके बेटा, क्लियर हो गया, ये अगेन मोशन ग्राफ आपका यूनिफॉर्म ही है, इक्वल चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जितनी ज्यादा स्लोप बढ़ती जाएगी उतनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब देखिए लाइन थोड़ी कम टेढ़ी है, ये लाइन ज्यादा टेढ़ी है, ये कम टेढ़ी है बी की, तो स्लोप स्पीड कम है, अगर ज्यादा टेढ़ी होगी तो स्पीड बढ़ गई, 40 होगी, तो ए ने बी को चेज कर लिया, क्रॉस कर लिया, ओवरटेक कर लिया। क्लियर बेटा, सो यहां इसका मतलब एक और भी है कि सेपरेशन बिटवीन देम एंड इस केस में आल्सो सेपरेशन बिटवीन देम डिक्रीजेस विद टाइम। क्लियर बेटा, टाइम के साथ सेपरेशन कम होती जाती है, क्योंकि भाई आगे पीछे वाला व्यक्ति स्पीड ज्यादा है तो आगे बढ़ता जाएगा, फास्टली आगे बढ़ता जाएगा, तो डिफरेंस जो सेपरेशन गैप था दोनों के बीच का कम होता जाएगा टाइम के साथ, तभी उसको चेज करेगा, दैट्स ऑल अबाउट योर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अनइक्वल स्पीड, ठीक है। अब थर्ड केस पे चलते हैं, थर्ड केस पे क्या बनाना है, केस वन हो गया, इसको रिज कर देते हैं, ठीक है, एंड बोथ आर एट इक्वल स्पीड। नेक्स्ट चलिए केस नंबर थ्री में, इसका सेकेंड केस लिख लो, सेकेंड केस, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। क्लियर बेटा, अब बी की स्पीड ए से ज्यादा है तो इसको 30 ले लो आप एग्जाम्पल के तौर पे, इसको ले लो आप 20 किलोमीटर। अब आप देखो अगर बी की स्पीड ज्यादा है ए से तो बी तो आगे बढ़ता जा रहा है, ए उसके पीछे आ रहा है, तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले ऑब्जेक्ट को तभी पकड़ेगा जब उसकी स्पीड ज्यादा है। अब पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड आगे वाले ऑब्जेक्ट से कम है तो उसको कभी भी पकड़ ही नहीं पाएगा, क्लियर हो रहा है ना, तो उसको कभी भी चेज ही नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है, समझ रहे हो, फिजिकली सोचिए आप कैसे चेज कर लेगा, कैसे पकड़ेगा पीछे वाले ऑब्जेक्ट जिसको पकड़, मान लो पुलिस है चोर के पीछे भाग रही है, अगर पुलिस की खुद की स्पीड कम है तो चोर को कैसे पकड़ लेंगे, कभी नहीं पकड़ा जाएगा चोर, पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से ज्यादा ही होनी चाहिए जो इस केस में थी, तब उसको पकड़ लिया, ठीक है। बट अगर इस केस में देखें, इस केस में पुलिस की स्पीड कम है चोर की स्पीड से, है ना, तो जो थीफ है वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, क्लियर, तो कभी पकड़े इट मीन टू नाइट्स कभी भी मिलेंगी नहीं, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा और ज्यादा बढ़ता जाएगा समय के साथ, क्योंकि वो आगे वाला ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से भाग रहा है, पीछे वाला कम स्पीड पे, तो जो गैप है उनके बीच का गैप समय के साथ वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, सिंपल। तो उसको ग्राफिकली भी कैसे शो करना है, यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिख दो आल्सो, ये की पॉइंट्स लिख रहे हैं हम यहाँ पे, आल्सो सेपरेशन बिटवीन देम इंक्रीजेस विद टाइम, समय के साथ सेपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ओके,
सोचिए और अप्लाई कीजिए अपने माइंड में, ठीक है। आगे मेडिकल करेंगे इसको, इसके बेस पे, ठीक है। तो प्लीज बेटा ये पोजीशन, ये टाइम, अब देखिए एक स्पीच 10 ले लो, ये 20 ले लो, ये 30 ले लो, स्पीड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, टाइम डिवाइड करोगे तभी स्पीड आएगी। मान लीजिए ये ए है, सपोज दिस इज द स्पीड ऑफ ए, क्लियर। और बी, बी की स्पीड पहले कितनी थी, 30, ठीक है। और दोनों के बीच की सेपरेशन सेम था, दोनों की स्पीड इक्वल थी, दोनों की स्पीड इक्वल थी फर्स्ट केस में, तब वो दोनों पैरेलल लाइन थी। यहाँ पे स्पीड इक्वल नहीं है, पैरेलल लाइन भी नहीं है, पर स्पीड किसकी ज्यादा है, पीछे वाले की, तो चेस कर लिया, क्रॉस कर गया। अब यहाँ पे जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ये रही, आगे वाला ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी स्लोप थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो दिस इज दी स्लोप और बढ़ गई, तो इनके बीच का गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये पैरेलल लाइन थी इनिशियली पहले लाइक दिस, तो पैरेलल से नीचे वाली बढ़ गई तो क्रॉस हो गई, ऊपर वाली बढ़ गई तो और ज्यादा गैप बढ़ गया। यहाँ पे देखिए गैप कम हो रहा है तभी चेस कर लिया, यहाँ पे गैप क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये स्पीड ऊपर ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। स्लोप इसकी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होगी, स्लोप आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कीप्स द वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन की, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की भी देती है, बट हम यहाँ पे यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं, एक ही स्पीड रख रहे हैं आपको समझाने के लिए, क्लियर। तो सेपरेशन उनके बीच का बढ़ता जा रहा है क्योंकि बी जो ऑब्जेक्ट आगे है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, जो पीछे है उसकी स्पीड कम है, कभी चेज नहीं कर पाएगा, क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। सो ये यहां से शो हो रहा है कि कभी वो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, जो ऑब्जेक्ट ए है बी को कभी नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि सेपरेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो कभी भी नहीं चेज कर पाएगा। तो ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है अभी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ये तो था जब दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके सेम डायरेक्शन में, तो वहां पे तीन केसेस बनते हैं, टू केसेस, एक के आगे दो केसेस हो गया, तीन केसेस डालो, दोनों की स्पीड इक्वल, एक ही ज्यादा एक ही कम, ठीक है, दो केस यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं अगर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो हमने आपको पहले पहले बताया था कि इस डायरेक्शन को हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, हमेशा नेगेटिव। तो हम अभी इसकी बात कर ही नहीं रहे थे, हम बात कर रहे थे इस डायरेक्शन की, तभी हमें दोनों को क्या लेके चले, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मीन्स ये माइनस कहां से आ रहा है, विद रिस्पेक्ट, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी ऑफ बी की भी लिखोगे ना ए के कंपैरिजन, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो ऐसे लिखा जाएगा। तो माइनस कहां से आ रहा है, वो कंपेयरिंग वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है, ठीक है। बट अब हम जो अभी हम बात करेंगे वो हम लेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो माइनस एक हो जाएगा, उसकी बात करते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो अभी अभी कंसीडर करो आप, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर ट्रेवलिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ये था भाई सेम डायरेक्शन का, है ना। अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, इसको ले लो आप, दिस इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसको अभी जरूरत नहीं है हमें, ये बातों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों के ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहे हैं आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास सिंपल पहले भी डायरेक्शन डिपेंडेंट फॉर्मूला नहीं है जी, सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखोगे आप, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, क्लियर बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर बी बी ए लिखे तो जो पहले है उसकी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, भाई ये अपीयरिंग स्पीड है, दिस इज नॉट द एक्चुअल स्पीड। मैं 20 पे जा रहा हूं तो वो मेरी एक्चुअल स्पीड है, किसी को वो 30 भी लग सकती है, किसी को वो 40 भी लग सकती है, किसी को ज्यादा भी, किसी को कम भी लग सकती है, ठीक है। वो उसकी अपीयरिंग स्पीड है, हाँ ना, मेरी तो 20 ही रहेगी ना एक्चुअल स्पीड, तो दिस इज द अपीयरिंग स्पीड, है ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, ओके, क्लियर हो गया। ये हमारा अभी तक क्या है, जो सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड को कैसे स्टडी करना है। तो मान लीजिए
एक वन ऑब्जेक्टिव इज ट्रैवलिंग लॉन्ग दिस डायरेक्शन, मैंने बनाया अभी वहां पे, चाहे वो डायग्राम कंसिडर कर लो। सेकेंड डायग्राम इज लॉन्ग, सेकेंड ऑफ बॉडी इज लॉन्ग, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप जा रहे हो ट्रेन में, आपके ऑपोजिट एक ट्रेन आ रही है, अगर उसकी ऑपोजिट ट्रेन आ रही है, आपको क्रॉस कर रही है आपकी ट्रेन को, तो आपको उस ट्रेन की स्पीड और भी ज्यादा फास्ट लगती है। आप सोचिए आप ट्रेन में बैठे हो, आपके पास से वो ट्रेन गुजर रही है, आपके उस आपको उसकी स्पीड और भी ज्यादा लगती है, क्योंकि दोनों स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, ऐड हो जाती है। आप 10 पे जा रहे हो, 20 पे, तो आपको 30 की लगेगी उसकी स्पीड। अभी देखते हैं कैसे, सोच के भी देखिए, प्रैक्टिकली होता है ऐसा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्पीड आपको कम लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखता है तो आपको स्पीड उसकी ज्यादा लगती है। कैसे, क्यों होता है ऐसा, अभी देखते हैं ये बात। ठीक है, अब देखो ये वाला इस डायरेक्शन में है, तो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड दिस इज लॉन्ग दिस डायरेक्शन, दिस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, एक ही प्रॉब्लम है, देखिए सेम प्रॉब्लम है, दोनों ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरी मजबूरी बन गई भाई, मुझे एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दूसरे को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, तो ये नेगेटिव है इसके कंपैरिजन। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में लिखूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन बोथ आर मूविंग अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन, हमें फॉर्मूले याद नहीं करने, हमें हमेशा एक फॉर्मूला याद करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। अब वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितनी है भाई, बी की वेलोसिटी कितनी है, नेगेटिव। क्यों है, बिकॉज दे आर नॉट, दिस इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ए। पहले, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में क्या थी, दोनों सेम डायरेक्शन में थी, एंड बोथ आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस आ रहा था, दिस माइनस इज कंपेयरिंग कंपैरिजन की वजह से आ रहा था, वो वहां पे भी था, वो यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है। और ये वाला सेकंड जो माइनस आ रहा है, वो कहां से आ रहा है भाई, दिस माइनस इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन की वजह से, क्योंकि अब दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो दिस माइनस इज फ्रॉम देयर, एंड दोनों वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी। मैंने आपको अभी बताया, इसलिए आपको ऑपोजिट साइड से अगर कोई चीज आ रही है, मूविंग ट्रेन है, आपकी ट्रेन भी मूव कर रही है, तो आपको ऑपोजिट ऑब्जेक्ट की स्पीड आपको ज्यादा लगेगी, उसको आपकी ट्रेन की स्पीड ज्यादा लगेगी, आपकी ट्रेन को उसकी स्पीड, दूसरे की ट्रेन की स्पीड ज्यादा लगेगी उसकी एक्चुअल स्पीड से, क्योंकि दोनों ऐड हो जाते हैं। ओके, तो अभी अगर हम फर्दर पता करें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, यहां पे माइनस आएगा, क्योंकि ये है ही पहले माइनस में। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विद माइनस साइन, ये माइनस कहां से आई, वेलोसिटी पहले ही नेगेटिव, तो माइनस बी माइनस बी। अब देखिए माइनस कॉमन ले लो, बी बी प्लस बी हो तो ऐड ही रही है। ठीक है, चाहे इसकी निकालो चाहे इसकी निकालो, रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऐड हो जाएंगी हमेशा। ठीक है, पर अगर ए की निकाल रहे हो तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी की निकाल रहे हो ए के कंपैरिजन, तो बी की हमेशा नेगेटिव होगी, ये देखिए नेगेटिव इस डायरेक्शन में। तो ये बेसिक सी बातें हैं, है ना, तो भाई डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, और रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू जो है वो तो कंपैरिजन रिलेटिव हमें करने का, रिलेटिव का मतलब ही इटसेल्फ कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो भाई ध्यान में रखिए आप कि दिस माइनस इज फ्रॉम डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है, दिस माइनस जो सब्ट्रैक्शन करते हैं एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले में, दैट कम्स फ्रॉम दी कंपेयरिंग, ठीक है, कंपैरिजन की वजह से, रिलेटिव की वजह से। ओके, सो दिस इज ए बी, यहां निकलो इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसको नीचे ये व्यू में देख सकते हो, ठीक है, आपका इन सेम डायरेक्शन में, और ये क्या है आपका, बोथ आर इन दी, ये कहां पे अभी, बोथ इन दी ऑपोजिट, बोथ मीन्स बोथ स्पीड इन ऑपोजिट, बोथ आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, जब बोथ आप क्या ऑब्जेक्ट मीन बोथ मीन ए एंड बी ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए, फिर बोथ आर इन दी सेम डायरेक्शन। तो ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मोशन इन प्लेन को, तो मोशन इन प्लेन में तो भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे तो वेक्टर डबल वेक्टर लगेगा, डबल मींस टू डायमेंशनल वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, ये पहले ही इसको कराना बहुत जरूरी था। ओके,
तो अभी नेक्स्ट करते हैं हम इस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स, इसके रिलेटेड मोशन इन वन डायमेंशन, सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर वन। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, जेट प्लेन इज मूविंग विद इट्स वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में हमें नहीं पता, गैसेस वेलोसिटी दे रखी, गैसेस आर इजेक्टिंग फ्रॉम द रियर बैक, रियर मींस बैक ऑफ द जेट प्लेन विद द वेलोसिटी ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, अगर जेट प्लेन फॉरवर्ड जा रहा है तो उसके बैकवर्ड से क्या निकलेंगे, उसके एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी। ठीक है, तो मान लीजिए योर जेट प्लेन इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भाई वही बात कि पॉजिटिव नेगेटिव को पहले कंसीडर करना है, बाद में रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, ओके, सो से जेट, दिस इज माइनस साइन, से जेट प्लेन दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, मान लीजिए जेट प्लेन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस एंड दिस इज से वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्सिस ऑफ जेट प्लेन, ए जेट प्लेन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दे रखा है। तो मैंने किस डायरेक्शन में ज़ूम कर लिया उसको, अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ जे मींस जेट प्लेन 500 अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव है। ओके, द गैसेस कहां से निकलेंगी, जेट प्लेन की बैक साइड से। ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस, सो यहां पे दिस इज अलोंग, यहां लिख दो वेलोसिटी ऑफ गैसेस, एग्जैक्टेड गैसेस है ना, तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस ये रहा हमारा। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये अंडरस्टूड है कि ये नेगेटिव है। क्लियर, द गैसेस आर इजेक्टिंग फ्रॉम द रियर बैक प्लेन विद द वेलोसिटी ऑफ, एंड नाउ विद रिस्पेक्ट टू जेट, विद रिस्पेक्ट टू जेट, तो हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट। वहां पे हम एवी की बात कर रहे थे ना, वो एवी हमारा अब गैसेस और जेट प्लेन है। क्लियर, एक तो फॉरवर्ड स्पीड है जेट प्लेन की, गैसेस किस स्पीड से बाहर निकल रही है, वो जी स्पीड है, और दिस इज वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जहां विद रिस्पेक्ट टू आ गया वो रिलेटिव मोशन है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन कितना दे रखा हमें, 1000 किलोमीटर पर आवर, हमें ये भी ध्यान रखना है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ गैसेस है। ठीक है, और गैसेस पहले हैं, तो गैसेस की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड दिस डायरेक्शन इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया बेटा, तो यहां से हमें क्या फाइंड करना है, ये भाई नेगेटिव पता चल गया, यहां क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा नेगेटिव पॉजिटिव, हमें देखना है वेक्टर है, हमें पता होना चाहिए वेक्टर क्या कह रहा है। ठीक है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, हमने जेड डायरेक्शन की ये पॉजिटिव ले ली वेलोसिटी, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव होगी गैसेस के लिए, है ना, तो गैसेस की वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, तो वो भी नेगेटिव ही होगी क्योंकि गैसेस आ गया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन कितनी है, माइनस नहीं दे रखा, माइनस अपने आप आ गया क्योंकि डायरेक्शन अजम्पशंस के कारण। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट, मींस हमें गैसेस की वेलोसिटी पता करनी है, एंड दिस इज Not the actual speed of gas jet plane. Jet की actual speed है 500. हमें गैस की क्या पता करनी है, एक्चुअल स्पीड पता करनी है क्या होती है, गैस की एक्चुअल किस स्पीड पे बाहर आ रही है, ये गैस की स्पीड नहीं है, ये गैसेज की है विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन है, जेट प्लेन की कंपेरिजन स्पीड है। ओके, तो ये पता करनी है, ये ऑब्वियसली हमारी नेगेटिव आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला में पता है कि वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट इज इक्वल टू माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर हो गया, गैसेज विद रिस्पेक्ट टू जेट। ओके, यहाँ पे किसकी स्पीड पता करनी है, हमें जेट प्लेन की पता करनी है, गैसेज की पता करनी है, जेट प्लेन की फाइंड करो, पुट करो 500। ठीक है, और इसको भी अब गैसेज के लिए 500 को आप इस साइड पे ले आओ, कितना आ गया माइनस 500 किलोमीटर पर आवर। देखिए, ये गैसेस की स्पीड अपने आप क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, और नेगेटिव ही आनी चाहिए क्योंकि डायरेक्शन कौन सी है, गैसेस की नेगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर हो गया बेटा, ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर टू पे। क्लियर, सो सेकंड न्यूमेरिकल देखिए आप, न्यूमेरिकल नंबर टू में क्या कह रहा है, हमें क्या गिवन है,
इसको रेज करनी चाहिए हमें। क्वेश्चन हो गया खत्म हमारा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ए कार इज गोइंग ईस्टवर्ड, डायरेक्शन देख लो पहले, दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट। हमें नॉर्थ साउथ की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है हमारा। जब नॉर्थ साउथ बीच में आ जाएगा तो वो मोशनिंग प्लेन बनेगा, हमारी नेक्स्ट क्लस बनेगी ऑन रिलेटिव स्पीड पे, ठीक है। तो अभी उसकी उस वो नहीं आएगा कभी, वो स्ट्रेट लाइन होगा। ईस्ट की बात करें तो वेस्ट ही होगा हमेशा मोशन, तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन। कार इज गोइंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब कार किस डायरेक्शन में जा रही है? रॉन्ग, देखिए यहां पर बना लो, ए कार इज मूविंग, ए कार इज जिनकी ईस्ट डायरेक्शन है आपकी, सो कार वेलोसिटी ऑफ कार कितनी देर की है? देर की है, कार इज गोइंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये ऑब्वियसली हमने पॉजिटिव कंसीडर कर ली, राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं, दिस इज पॉजिटिव। कार सी मींस ओके टू द पैसेंजर इन द कार, कार के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है। मान लीजिए हम कार में बैठे हुए हैं, कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जा रही है, हम कार के अंदर बैठे हुए हैं और हमें ट्रेन अपीयर्स टू मूविंग वेस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। उस कार वाले पर्सन को लग रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड आ रही, ट्रेन है वो वेस्टवर्ड की तरफ जा रही है, मींस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेन ऐसे, कार ऐसे जा रही है तो ट्रेन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टी स्मॉल टी ऐसे जा रही है। उस कार वाले पर्सन को लग रहा है, मान लीजिए मैं कार में बैठा हूं, ठीक है, मैं कैब में बैठा हूं तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, और मुझे मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो ट्रेन क्रॉस करती है वेस्ट की तरफ, उसकी स्पीड मुझे कितनी लगती है? 15 मीटर पर सेकंड, ये ऐसा कह रहा है। तो मुझे उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड लगती है, अपीयर होती है, ठीक है। तो दिस इज गिवन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ये हमें गिवन है क्योंकि मुझे लग रही है, मैं ट्रेन में कार में बैठा हूं, मुझे ट्रेन की स्पीड लग रही है विद कितनी 15 मीटर पर सेकंड। एंड इफ दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव देन दिस डायरेक्शन इज ऑब्वियसली नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन क्या होगी आपकी? नेगेटिव होगी, क्लियर। एंड दिस इज योर W means westward, ठीक है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्टवर्ड है, और ट्रेन आपकी वेस्टवर्ड जा रही है तो इसको लग रहा है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है आपकी? 15 मीटर पर सेकंड है, और ये पॉजिटिव, then this is negative, and this is taken as velocity of train with respect to car, तो आपका कितना आएगा यहाँ पे? माइनस साइन आएगा। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया, साइन कन्वेंशन ने माइनस में रखी है, वेक्टर माइनस में रखी है, मैं कह रहा हूँ वेक्टर के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके बेटा, अच्छे से समझ लो ये क्वेश्चंस, बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, प्लस टू करनी है, पता नहीं कहां तक जाना है फिजिक्स में, है ना। तो ये दिस इज योर नेगेटिव साइन, व्हाई कम्स नेगेटिव? बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15। व्हाट इज द एक्चुअल, देखो उसने लिख भी दिया एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, हमें क्या पता करना है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल स्पीड, दिस इज नॉट द एक्चुअल स्पीड, दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ कार, दिस इज नॉट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, या अपीयरिंग स्पीड है जो पर्सन बैठा है कार में उसको लग रहा है। बार बार ऐसे ही समझाता हूँ, इसलिए समझाता हूँ भैया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए भाई एक ही क्वेश्चन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, बस इसको आप एक्सपेंड कर दो। अब देखिए हम कहीं भी वेक्टर नहीं डाल रहे क्योंकि वेक्टर हमारा कहाँ काउंट हो रहा है? डायरेक्शन में, डायरेक्शन कौन दे रहा है हमें? पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायरेक्शन तो दे रही, जरूरत ही नहीं डायरेक्शन देने की, वहां से पता चल जाता है कि नेक्स्ट स्पीड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ भाई वो ही चीज है, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, जैसी ऑब्जेक्ट वैसे नाम दे दिए हमने, ठीक है। अब हमें ट्रेन की एक्चुअल स्पीड पता करनी है, तो ट्रेन की निकाल लो, कैसे निकालोगे? -15 प्लस वेलोसिटी ऑफ कार, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार? कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव क्योंकि डायरेक्शन ईस्टवर्ड है। -15 प्लस 10 तो कितना है अभी? -5 मीटर पर सेकंड। ये देखिए अपने आप ही क्या आ रही है, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या आ रही है आपकी? माइनस में आ रही है, तो माइनस में ही आनी चाहिए क्योंकि वो वेस्ट की तरफ जा रही है अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस हमें समझना है। अब इसके अगर डायरेक्शन भी देंगे तो वेस्ट लिख सकते हो, टुवर्ड्स वेस्ट। ओके, क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन है, तो समझना है हमें क्या ले रखा है, क्या गिवन है, ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लियर। ए थीफ, अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया पुलिस और थीफ का, ठीक है। चोर पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, नहीं पकड़ पाएगी, हमने आपको बता दिया लास्ट ग्राफिकल, ठीक है। पुलिस की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ना चोर को पकड़ने के लिए, 20 की है तभी चोर पकड़ा जाएगा। ओके, अब मैं तो यहाँ पे आपके पास नहीं पैसा बैठा कि आपको पकड़ लूं, क्या पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। ए थीफ इज रनिंग इन ए जीप विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। जीप की स्पीड कितनी है, थीफ कहां बैठा है, जीप के अंदर, तो जीप को भगा रहा है कितनी स्पीड पे, 10 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी ऑफ जीप कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन की बात नहीं है अभी। ए पुलिस वैन चेजिंग हिम, ऑब्वियसली पुलिस वैन उसको क्या कर रही है, चेज कर रही है। तो मान लीजिए ये आपका वेलोसिटी ऑफ किसका, जीप, ये आपकी जीप की स्पीड है जो थीफ बैठा हुआ है यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे थीफ बैठा हुआ है जा रहा है इस डायरेक्शन में, पुलिसमैन चेजेस हिम विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे पीछे क्या आ रही है, पुलिस की वैन आ रही है, तो यहाँ पे लिख दो वेलोसिटी ऑफ पुलिस 12 मीटर पर सेकंड, ये एक्चुअल स्पीड दे रखी है, जीप की स्पीड है, पुलिस वैन की स्पीड है, ओके, पुलिस वैन की स्पीड, ओके, विद रिस्पेक्ट टू नथिंग, तो एक्चुअल स्पीड नंबर। इफ द इंस्टेंटेनियस, अभी हम एक्चुअल स्पीड निकाल लें, क्योंकि पुलिस ने चोर को पकड़ना है, तो वेलोसिटी ऑफ जीप दे दी यहाँ पे, चाहे थीफ दे दो, टी लिख दो, वेलोसिटी ऑफ पी, पी मींस पुलिस, तो यहां पे निकाल लो पहले वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू जीप या थीफ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू जीप, अब देखिए दोनों हम सेम डायरेक्शन में ले रखी है, वो ये डायरेक्शन हमेशा क्या होती है आपकी पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये माइनस कहां से आया, रिलेटिव स्पीड के कारण, उस डायरेक्शन में कोई अगर हो तो हम नेगेटिव लेते हैं ना। तो पुलिस की कितनी है 12, जीप की कितनी है 10, तो ऑब्वियसली पुलिस की स्पीड चोर से 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा है, तो उसको कभी ना कभी वो पकड़ लेगी, चेस कर लेगी, और हमें वही पता करना है कितना समय लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए, यही हमें पता करना है। और ये इस वेलोसिटी से पकड़ा जाएगा, इस वेलोसिटी से आपका चोर पकड़ा जाएगा, इस वेलोसिटी से नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 पे तो जा ही रहा है, जितनी ज्यादा है स्पीड पुलिस की कितनी ज्यादा है, इतनी, तो इतनी स्पीड से ही तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, है ना। और सेपरेशन बिटवीन दी, लिख लीजिए यहां पे सेपरेशन बिटवीन पुलिस एंड थीफ या जीप कितनी दे रखी है हमें, 80 मीटर, देखिए 80 मीटर हमें दे रखी है कि पुलिस कितना दूर है एक समय पे, इंस्टेंटली कितना दूर है चोर से, 80 मीटर दूरी पे, पुलिस की स्पीड इतनी ज्यादा है, है ना, तो कितना टाइम लगेगा भाई, टाइम टेकन टू कैच दी थीफ। मैं यहां पे भी छोटी सी बातें लिखूं कि वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो हमारे केस में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन देम डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही होगा, हमें टाइम टेकन पता करना है, ठीक है। टाइम टेकन कैसे पता करोगे, टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम टेकन कैच दी थीफ सेपरेशन ओवर रिलेटिव स्पीड, सेपरेशन कितनी है आपकी, यहां पे लिख लो पहले सेपरेशन ओवर वी, रिलेटिव स्पीड किसकी, पुलिस विद रिस्पेक्ट टू जीप, पुलिस विद रिस्पेक्ट टू जीप, सेपरेशन कितनी है भाई 80, और स्पीड कितनी है पुलिस की, सेपरेशन वाली और उसकी रिलेटिव स्पीड वाली 2 मीटर पर सेकंड पुट कर दिया, डिवाइड कर दिया कितना आ गया 40, यूनिट हमारी सेकंड है, तो 40 सेकंड लगेंगे पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए, क्लियर बेटा, समझ आ गया आपको। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं एक और,
लास्ट प्रॉब्लम है हमारी इस क्लास की, इस टॉपिक की। नेक्स्ट क्लास में करेंगे मोशनिंग, प्लेन में देखेंगे रन की वेलोसिटी को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर फोर, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल इस डायरेक्शन में ज़ूम कर दो, बिना देखे बिना सोचे वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ए मोटरसाइकिलिस्ट विशेस टू ओवरटेक, ओवरटेक अगर हम किसी को करना है तो उसके पीछे से आगे उससे आगे निकल जाएंगे, इट मीन्स मोटरसाइकिलिस्ट कहाँ है, बस के पीछे है, तो वेलोसिटी ऑफ से मोटरसाइकिलिस्ट ये। ए मोटरसाइकिलिस्ट विशेस, वो चाहता है कि वो ओवरटेक कर ले बस को 60 सेकेंड्स में, ठीक है। तो यहां लिख लो टाइम टेकन बाय मोटर साइकिलिस्ट टू ओवरटेक बस इक्वल टू कितना है 60 सेकेंड, ठीक है। वो चाहता है मैं एक मिनट में ही बस को क्रॉस कर दू। विद व्हाट वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल, उसको वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा मोटरसाइकिलिस्ट को, तभी तो बस को ओवरटेक कर पाएगा। ये 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, उसको स्पीड इसकी स्पीड इससे हमेशा ज्यादा होगी, है ना। शुड चेज विद व्हाट वेलोसिटी द मोटरसाइकिलिस्ट शुड चेज द बस विच इज 1 किलोमीटर अहेड ऑफ देम, और दोनों के बीच का यहां लिख लो ये बस है आपकी, ये आपके मोटरसाइकिलिस्ट है, से यहाँ पे दोनों का गैप कितना है आपका 1 किलोमीटर, ठीक है। यहां पे लिख लो सेपरेशन बिटवीन बस एंड मोटर साइकिलिस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना है 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, ठीक है बेटा। अभी इसको चेज करना है, आपको पता है भाई जब किसी को चेज करना है तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से तो पहले ही जा रहा है, तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली चेज करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो एक्चुअल स्पीड से तो चेज नहीं करेगा, वो चेज करेगा रिलेटिव स्पीड से। अभी हम क्वेश्चन करके आए, ठीक है, कि ये तो ओनली 10 पे जा रहा है तो उसकी 20 होगी तो 10 से चेज करेगा, 10 माइनस हो जाएगा। अगर 15 पे जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चेज करेगा, क्योंकि 10 तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो चेजिंग स्पीड कितनी होगी, यहां लिख दो चेजिंग वेलोसिटी मींस, ठीक है, मींस वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस कितना होगा भी Vm माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट को चेज करना है बस को, तो वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस Vm माइनस Vb। तो Vm इस डायरेक्शन में है, Vb भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव लेंगे, यहां पे नेगेटिव तो कोई अज्यूम करना ही नहीं है assumptions में। माइनस कहां से आ रहा है, रिलेटिव स्पीड के कारण आ रहा है, Vm माइनस Vb, तो इस स्पीड से वो चेज कर लेगा, ठीक है। चेजिंग स्पीड होगी, नाउ हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है स्पीड से उसको, 1 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन, इतने सेकंड में चल रहा है मैं चेज कर लूंगा, बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन, इजी उसमें खत्म। वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ कार कितना आ गया यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 3 16.67 6 आ गया, रिपीट होता जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट कितनी आ गई, 10 इधर जाके ऐड कर दो 26.67 मीटर पर सेकंड। तो इतनी स्पीड अगर होगी मोटरसाइकिलिस्ट की तो वो चेज कर लेगा बस को जितना उसे टाइम देना है, 1 मिनट के अंदर अंदर चेज कर लेगा, तो उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए चेज करने के लिए बस को, ठीक है। तभी ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, रिलेटिव वेलोसिटी के, ग्राफिकल भी हो गया, कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो भी हमने सीख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेम रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक बट मोशन इन प्लेन में, ये था आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन में।
ओनली इन स्ट्रेट लाइन, चाहे वो ईस्ट वेस्ट हो या नॉर्थ साउथ हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो ईस्ट में भी जा रही है, नॉर्थ में भी जा रही है, हो सकता है साउथ में भी चली जाए, तो क्या होगा वहां, तो बात करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड लक, आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।